जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो हमने वीडियो वगैरह डाली थी ना, तो वो उस वीडियो पे ना यूट्यूब वालों ने स्ट्राइक वगैरह दिया, तो उन्होंने वो वायलेशन उस वीडियो पे वायलेशन कर दिया। यूट्यूब वालों ने कहा कि भाई इस पे आप ना लड़ाई वगैरह दिखा रहे हो, तो पता नहीं क्या मसला हुआ है, तो उन्होंने वार्निंग दिया स्ट्राइक वगैरह। लड़ाई दिखाई भी नहीं हमने। हाँ तो सिर्फ बताया था कि भाई फाइट हो गई थी, सिर्फ बताया, ये कहा है कि भाई फाइट हुई है, तो उन्होंने स्ट्राइक वगैरह दे दिया। तो दुआ करें जल्द से जल्द हमारा चैनल जो है ना रिकवर हो जाए। उम्मीद नहीं है, अब हमारा चैनल बेकार हो चुका है बिल्कुल ही। अब बस दुआ करनी है आप दोस्तों। मैं काफ़ी दुख से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पोस्ट वगैरह की है कम्युनिटी पोस्ट। तो दुआ करें वो वार्निंग जो है ख़त्म होती भी है कि नहीं। अब पता नहीं हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। 8 माह की मेरी जो मेहनत है ना वो ज़ाया हो जाएगी। बस आपने अब दुआ करनी है दोस्तों, अब अपना प्यार वगैरह भी आपने दिखाना है, तो पता नहीं चैनल हमारा मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। यार हमारी 8 माह की जो मेहनत थी ना वो भाई ज़ाया होती है। नज़र मेहनत करना कितना मुश्किल है यार। हाँ यार, अब दोस्तों फ़िलहाल देखते हैं, इंशाल्लाह से अपनी तरफ से करेंगे पूरी कोशिश, रिकवर करने की कोशिश करूँगा, बाकी अल्लाह के हाथ में है। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने एक मुर्गा दिखाया था, वो ना मुर्गे दिखाने की वजह से ना स्ट्राइक वगैरह आती हैं। मुर्गे मैं सोच रहा हूँ ख़त्म कर देने चाहिए सेटअप पर। हाँ फिजान करें सेटअप से मुर्गे ख़त्म। नहीं यार मुर्गे नहीं बात ख़त्म, असील मुर्गे ना ये जो दिखाते हैं ना हम, तो इसी वजह से ना स्ट्राइक वगैरह आती है। मैंने वो देखा था कि मुर्गे जो दिखाते हैं तो भाई स्ट्राइक वगैरह आती है। स्ट्राइक की मुझे समझ नहीं आती, स्ट्राइक आती है किस चीज़ पे यार पता नहीं यार। मैंने अभी कोई चीज़ भी नहीं स्ट्राइक वगैरह पे कुछ भी जो है ना नहीं दिखाया, वो लड़ाई वगैरह नहीं दिखाई मुर्गों की लगा लड़ाई दिखाए ना तो फिर भी स्ट्राइक वगैरह आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह से बस आपने दुआ करनी है दोस्तों। मैं कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है यार। बस दोस्तों मुर्गे वगैरह हम बहुत ही कम ही दिखाया करूँगा मैं यूट्यूब पर, तो फ़िलहाल दूर दूर से दिखा देता हूँ। फिर भी जो ये मुर्गा मैंने दिखाया था ना लास्ट टाइम, वो वीडियो जो यूट्यूब वालों ने ना जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो वगैरह डाली थी वो ना डिलीट कर दिया वार्निंग की वजह से ना डिलीट कर दिया भाई साहब। अब देखते हैं क्या करना है दोस्तों। फ़िलहाल अभी इन सबको जो है ना दाना वगैरह डालते हैं, अभी असर के दाने होके आती हैं। तो फ़िलहाल हमारा जो BBP है ना वो भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारे ब्लैक वाले जो BBP थे ना, ब्लैक शराजी वाले BBP, वो देखिए हम माशाल्लाह से कितने कितने बड़े हो गए हैं। और इनके माँ बाप जो है ना मैंने सेल कर दिए हैं, क्योंकि यार मेरा पेट्स ब्लॉगिंग से ना दिल बिल्कुल उठ गया था। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ सेल कर, बात तो सच्ची यार टैग वगैरह है ना दिल तो उठ गया था, 8 महीने की मेहनत क्या करें। तो यार हमारी जो मेहनत भी ज़ाया होती नज़र आ रही है, और ये इसी वजह से मैं कबूतर सेल कर रहा था, मेरे पास बहुत कम रह गए हैं। अब बस मैंने कहा यार BBP नहीं बेचते, अब माशाल्लाह से बहुत बड़े हो गए हैं। और जो हम छोटे वाला BBP मैंने तीन से 4 दिन पहले जो मैंने BBP आपको दिखाया था ना, वो देखो माशाल्लाह कितना ज़रा बड़ा हो गया, वो भी अब आपको मैं पकड़ के हाथ में दिखाता हूँ, डरेगा। देखिए छोटे वाला BBP मैंने आपको दिखाया था, माशाल्लाह से हेल्दी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। उड़ने भी लग पड़ा है भाई साहब यार। अब कोई इसे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, तो इसके इनके माँ बाप के पास छोड़ देते हैं, अभी इनके माँ बाप ना फिर से अंडे वगैरह देने लगे हैं। दोस्तों वो देखें भाई, ये देखें शिकार आके बैठा है, शिकार वगैरह किया अभी, चिड़िया वगैरह पकड़ी हुई है पाँव में, मैंने फुल जूम किया ये देखें पाँव में, अभी इसने कुछ ना कुछ ये परिंदा पकड़ा है, अभी शिकार किया इसने फिजान। लकड़ी लग रही है, हमारा चूजा तो भी पकड़ के लेगी वो, ये वो है यार बाज है, बाज अच्छा शिकार है इसके पाँव में, वो है कुछ ना कुछ शिकार है, चिड़िया पकड़ी होगी इसने या इसने पकड़ी होगी हमारा चूज़ा पकड़ा होगा। काफ़ी बार इसने अटैक किया हमारे, सारा दिन चूज़े जो है ना खुले ही रहते हैं, ये देखें हमारे चूज़े सारा दिन खुले रहते हैं। अब ये उड़ेगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या इसने पाँव में पकड़ा हुआ है। वो बाज जो है ना वो उड़ चुका है, उसने अपने पाँव में कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ था, वो उड़ गया यार। वो शिकार वगैरह करता है ना, आपको पता ही है वो बैरी थी यार। जब मैं वीडियो वगैरह बनाने लगता हूँ ना ये शोर करने लग पड़ता है, ये वाला पाई। अब इनमें से कुछ पैरेट्स जो हम ना सेल कर देंगे यार, मेरे दिल में इनको सेल करेंगे जगह हम, और यार काफ़ी ज़्यादा शोर डालते हैं, और ना
दोस्तों मैंने आपको कहा भी था हमारे जो ग्रीन पैड्स अंदर है ना उन्होंने अंडे वगैरह दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह से वो बच्चे निकलने वाले हैं। मुझे उस दिन से ना मैंने देखा ही नहीं जब से स्ट्राइक वगैरह आई है, तो कल देखेंगे, तो अभी टाइम नहीं है। तो जल्दी से अब जो है ना एक और गुड न्यूज़ भी है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो ये देखिए यार ये मैंने केज इस केज की हालत देखें, ये क्या हुआ इस केज को साफ़ करना है यार जल्दी से। ओए ये तो मैंने देखा यार आप देखा तूने, ये मैंने आज सारा केज जो है ना इतनी ज़रा इस केज के अंदर चिड़चिड़ वगैरह थे, चिड़चिड़ जो खून वगैरह चूसते हैं, इस केज को भी साफ भी करना है, साफ भी करते हैं। तो फिलहाल और सभी को दाना वगैरह भी डालते हैं, और हमारी जो मुर्गी है ना ब्लैक वाली वो माशाल्लाह से हमारी कूड़क हो चुकी है, जो अंडे वगैरह दे रही थी हमारे पास इतने ज़रा अंडे हो गए हैं। कितने हो गए अंडे मैं दिखाता हूँ वो देख वो देख वो देख ओ भाई हमारा क्रेट बढ़ गया यार, क्रेट फुल हुआ पड़ा हमारा। वो मिक्स ना करी अंडे ये लाजा, वो अंडे किसी और मुर्गी के, ये देखिए हमारी ब्लैक वाली मुर्गी जो मैंने ना फेक अंडों पे बिठाई हुई, ये दुकान वाले अंडे होते हैं, इससे भी बाहर निकालते हैं बाहर आजू बाजू वाले वो दो अंडे। ओह यार दोस्तों ये वो अंडे हैं जिस जो दुकान वाले जो ताकि ना मुर्गी का अच्छे से कूड़क हुई हुआ है ना पक्का हो जाए, अच्छे से कुड़क हो जाए फिर ना मुर्गी को बैठा देंगे अंडों पर। दोस्तों मुर्गी को आप दाना वगैरह खिलाते हैं, मुर्गी के लिए दाना वगैरह रख दिया माशाल्लाह से, मुर्गी दाना वगैरह खा रही है, अब मुर्गी दाना वगैरह खा लेना फिर से इनको फेक अंडों पर बिठा देंगे। अभी फेक अंडों पर इसलिए बिठाया हुआ ताकि इसका कुड़क जो है ना अच्छे से हो जाए, ये फुल कुड़क हो जाए मुर्गी अच्छे से कुड़क हो जाएगी ना फिर से अंडों पर, जो इसने अंडे दिए हुए हैं ना माशाल्लाह से इसने 12 अंडे दिए। बाजरे में पानी क्यों है, ये अच्छे से पानी जो है पानी से मैंने बाजरा जो है ना अच्छे से वाश वगैरह किया, तो सब मुर्गा मुर्गियाँ जो है ना मुर्गा और मुर्गियाँ या सील मुर्गा तो मुर्गियाँ बहुत कम दिखाया करूँगा यार, मैं डर रहा हूँ कि मुर्गी दिखाने से पता नहीं स्ट्राइक वगैरह आएगी कि नहीं आएगी। अगर एक और स्ट्राइक आ गई ना तो भाई साहब मार चैनल बिल्कुल टर्मिनेट और बिल्कुल डिलीट वगैरह सारी वीडियो डिलीट हो जाएंगे और चैनल बिल्कुल उड़ा देंगे यूट्यूब वाले, तो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया, काफ़ी ज़्यादा अब ना स्ट्रिक हो गया चैनल यूट्यूब वाले ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक हो गए हैं काफ़ी ज़रा यार। इधर जो मुर्गा और मुर्गी बांधे ना उनको भी मैंने दाना वगैरह रख दिया जो हम न्यू लेके आए थे, तो बस अब ये दाना वगैरह खा रहे हैं फिर इनको सबको बंद भी करना है। आज सारा दिन चूजे जो है ना इस मिट्टी में खेलते रहे हैं, इस मिट्टी जो है ना ये मिट्टी वगैरह जो गंदगी वगैरह उठाता हूँ जल्दी से और जल्दी से काम वगैरह ख़त्म भी करने, काफ़ी ज़्यादा काम है, और इसके ऊपर एक छत वगैरह भी डालनी है यार। चलो चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, और जो है ना वो दरवाज़ा हमने उतारा ऊपर पड़ा हुआ था, इधर दरवाज़ा वगैरह पड़ा हुआ था, ये जगह इधर से खाली हो गई है, इधर दरवाज़ा वगैरह पड़ा हुआ था पुराने वाला, ये ना इस दरवाज़े को ना हम छत वगैरह बना लेते हैं केज की, अभी तो आर्दी तोड़ के लिए काम वगैरह करते हैं जुगाड़ वगैरह करते, तो आपको पता बजट वगैरह इतना नहीं होता जिसकी वजह से अब जुगाड़ वगैरह करना पड़ेगा। केज को अच्छे से साफ़ वगैरह कर लिया है, और जो है ना आज जो है ना केज की छत वगैरह नहीं डाल पाएगी, ये केज की छत को अपनी ये ना सेट वगैरह करना है, टाइम तो देखो। हाँ टाइम नहीं है, और अफ्तारी का ना सामान वगैरह भी लेके आना जो है ना रोज़ा वगैरह खोलना है, और मुर्गी जो है ना मुर्गी को इंशाल्लाह से कल कुड़क पे बिठाएंगे और मुर्गी जो है ना अच्छे से कुड़क भी हो जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, दोस्तों आपने दुआ करनी है हमारा चैनल ना रिकवर हो जाए, नहीं तो फिर देखेंगे रिकवर हो जाएगा, तो बस आपने दुआ करनी है, अगर रिकवर होता भी है कि नहीं तो बस आपने दुआ में याद रखना है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।